नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सपाक्स पार्टी द्वारा शहर के बीचों बीच नीम ताल चौराहे पर पोस्टकार्ड लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेषित किए गए, जिसमें आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर देने की बात कही गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपाक्स पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता माधवगंज चौक पर मौजूद रहे। 25 जनवरी 2020 को समीक्षा होनी है आरक्षण की, उसको जाति के आधार पर ना कर आर्थिक आधार पर किया जाए। उसकी यदि समीक्षा किया जाए कि जो 2-4 लोग ही उसका फायदा उठा रहे हैं, तो प्रॉपर जो गरीब है उसको उसका लाभ मिले। एक्चुअली हर बार क्या होता है कि सरकारें समीक्षा करती हैं, वो समीक्षा के नाम पर सिर्फ मजाक उड़ा रही हैं। संसद में सभी सांसद मिलकर तालियां ठोक देते हैं और आरक्षण की सीमा को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इस बार हम चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे उनने की जीतने के बाद बोला था कि अब जातियां सिर्फ 2 रहेंगी, एक गरीब और एक गरीबी को खत्म करने वाले, हम ये चाह रहे हैं कि इस बार आरक्षण की प्रॉपर समीक्षा हो और जो गरीब व्यक्ति है उसको इसका फायदा मिले। और जो इन्हें 70 साल में जो भी आरक्षण देके जो रिजल्ट निकला है, उसका कम से कम ये कंक्लूजन निकालेंगे उसको कुछ फायदा हुआ है कि बेकार में ही आरक्षण को बढ़ाया गया। विदिशा से विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।